Today we'll be starting just now. Fine. I think voice is clear. आज से हम लोग एक काम करते हैं, जितने भी लोग आप लोग क्लास आते हैं तो एक क्लास का फील हो, so that we feel that all of us are in a class and attending to the class. So, एक दो मिनट के लिए we should switch on our video altogether. All of us should switch on our videos for just for 1 or 2 minutes, so that we have a feel that all of us are in the class. तो सारे लोग ना आप अपना सारे लोग at one time एक ही बार सब अपना अपना वीडियो लेकिन म्यूट रखेंगे, बाकी सब म्यूट रखेंगे, वीडियो सब ऑन कर ले, वीडियो सब ऑन कर ले सारे, ऑल ऑफ यू शुड स्विच ऑन द वीडियो, ऑल ऑफ यू, सो दैट वी हैव अ फील. एंड दिस एग्जैक्टली ये सारा जो है ना आपको जब हम रिकॉर्डिंग हमारा जाता है तो रिकॉर्डिंग में बिल्कुल ऐसा ही आएगा. तो एक और रिक्वेस्ट है मेरा कि जब भी आप लोग सारे लोग ऑल ऑफ यू शुड स्विच ऑन द वीडियो, all of you should switch on the video so that we can have a feel of the fact that we are in a live class. Aisa na lage ki you know sirf padhaya ja raha hai, padhne wale bhi maujood hain, ye feel hona zaruri hota hai. To sare log apna apna video switch on kar le, and I think sabka video switch on nahi hua hai, bahut logon ne switch on nahi kiya hai. Sare log switch on kar le apna apna video, वीडियो ऑन कर ले. एंड इसलिए करना क्या है कि मेरा सजेशन होगा कि अगर बैकग्राउंड आपको मान लो आपका खुद का पसंद नहीं तो बैकग्राउंड चुनने का इसमें ऑप्शन भी है, आप बैकग्राउंड चुन सकते हो. देखो आई थिंक यू हैव एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग द बैकग्राउंड एनीवे. तो बहुत लोगों का जैसे आर्यन का नहीं है वीडियो ऑन, अशरफ का नहीं है, सारे लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, सारे लोग प्लीज स्विच ऑन द वीडियो. मयंक सैनी का वीडियो ऑन नहीं है, ऑल ऑफ यू शुड स्विच ऑन द वीडियो सो दैट आई हैव अ फील दैट ऑल ऑफ अस आर टुगेदर. प्रेमजीत विवेक स्विच ऑन कर लीजिए वीडियो कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर हाँ प्रेमजीत विवेक, देन ये प्रेमजीत विवेक का तो ऑडियो भी ऑन नहीं है. सो आई थिंक ऑल ऑफ अस आर इन द क्लास. I think all of us are in the class. Fine. So, I think I should start the class. Premjit Vivek, you switch on. आप अपना audio भी on नहीं किया आपने. Okay. चलिए. Pratham Misra is coming and going. Anyway. ठीक है. तो देखिए ये सारे लोग class में हैं. सारे लोग class में हैं. All right, ये सारे लोग क्लास में हैं. All of us are in the class. I'm sure. All of us are in the class. अब देखते हैं किसका किसका फोटो आता है जब रिकॉर्डिंग करेंगे, तो सारे का आता है या किसका आता है. तो अब आगे से करेंगे जब आपसे बात करेंगे तो फिर अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे, सो दैट क्या होता है कि रिकॉर्डिंग जब आपका होता है उसमें जब आपसे बात होती है तो लगता है कि लाइव क्लास आपका चल रहा है. और इस क्लास में जब आए तो मेरा सजेशन है कि थोड़ा सा जिस तरह से क्लास में आते हैं प्रॉपर आपका गेटअप होना चाहिए. ठीक है उतना लाइक उतना फॉर्मल नहीं बट उतना इनफॉर्मल भी नहीं, थोड़ा सा तरीका से कपड़ा वगैरह पहन के दैट विल बी बेटर. आगे से ध्यान रखिएगा, लेकिन ये हर एक दिन हम लोग एक दो मिनट इस तरह से किया करेंगे. सौरभ पांडे जी क्या हाल है, सौरभ पांडे जी बताइए. सौरभ पांडे वन सेकेंड, सौरभ पांडे तो हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं. सौरभ पांडे जी बताइए क्या हाल चाल है. गुड मॉर्निंग सर. ठीक है सर. गुड मॉर्निंग, एकदम ठीक है. यस सर. सौरभ पांडे आप तो नजर ही नहीं आ रहे हमको वीडियो में, वन सेकेंड. सौरभ पांडे वेयर इज, आप थोड़ा सा वीडियो में हाथ उठाइए तो. सौरभ पांडे जी कहाँ है आप. सौरभ पांडे रेज योर हैंड. सौरभ पांडे इज देयर. ऑलराइट ओके आई कैन अंडरस्टैंड इट्स हियर. चलिए देखिए क्या है ना कि YouTube पर जो लाइव लो क्लास वगैरह हो रहा है वो क्या होता है, वन वे ट्रैफिक है. आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं, बच्चे को बोलने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है.
यहाँ पर है क्या कि हम लोग साथ हैं, इकट्ठा, इट्स फार बेटर, फार फार बेटर। लेकिन हमने यूट्यूब पर भी आपको आपको ऑप्शन दे रखा है, तो मेरा सबसे मेरा एक और सजेशन है कि आज हमने जो एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम इस सब में इंटरेस्ट लेते नहीं थे, आप लोगों की सुविधा के लिए हमने इंटरेस्ट लिया कि आपका रिकॉर्डिंग भी आपको वहां पर चला जाए तो जब भी सब सुविधा हो तो आप देख सके। तो YouTube जो अपना चैनल बना हुआ है उसको जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि उस पर कोई नोटिफिकेशन होगा तो आपको सीधे आपको चला जाएगा। तो ऑल ऑफ यू, सारे लोग करेंगे क्या, सारे लोग ना, सारे लोग अपना जो क्रैक करो वाला YouTube चैनल है उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो वो बेहतर होगा। और आई थिंक अब तो हो गया, सबका फोटो आ गया, रिकॉर्डिंग में सबका आना चाहिए। एक बार और हम आपको जब अंत होगा तो सबका फिर एक बार हम सारे लोगों का वीडियो ऑन करवाएंगे, और इस बीच में जो है इंडिविजुअली जिसे हम बात करेंगे उस समय वीडियो ऑन करवाएंगे। तो हम लोग क्लास शुरू करें और सारे लोग जो है अपना अपना वीडियो स्विच ऑफ कर लें प्लीज, जस्ट तो शांति रहता है और आप देखते होंगे बहुत ही शांति से हम लोग का क्लास होता है। एक्सलेंट एक्सलेंट, ग्रेट ग्रेट, जस्ट सारे लोग स्विच ऑफ कर लीजिए प्लीज, सारे लोग स्विच ऑफ कर लीजिए, अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, ऑल ऑफ यू वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ मनी शेखर वीडियो ऑफ करो, मनी शेखर वीडियो ऑफ करो, मनी शेखर वीडियो ऑफ। ओके आई थिंक हु इज दिस वन, आई थिंक ऑलराइट। So, अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले किसी एक से हम बात करते हैं, एंड हम बात करेंगे किससे, जो है आई टॉक टू ऑलराइट चलिए चंदा कुमारी बोलिए क्या हाल है, कल क्लास किया था आपने, कल मीन्स आप अपना वीडियो भी ऑन कर लें, वीडियो भी ऑन कर लें, राइट ओके। हाँ आपने लास्ट क्लास किया था, गुड मॉर्निंग सर, यस सर किए थे। ओके okay, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? नो सर। आपका मैथ है या बायो है? बायो। एक्सेलेंट, बायो है तो हल्का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह में प्रॉब्लम्स आते होंगे। बुक्स वगैरह घर में ले गए कि नहीं ले गए? यस सर लेके आए। चलिए तो आई थिंक आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, तो अपना वीडियो ऑफ कर लें एंड म्यूट भी कर लें प्लीज। ओके लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग नाउ। तो आज का हम लोगों का जो एजेंडा है उसमें है आपको जैसे मैंने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को देखना है, टॉर्क हमारा हो चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को देखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हल्का डिफरेंशिएशन इनफैक्ट इंटीग्रेशन आएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर हम लोग अभी चलेंगे, एंड आपका चल रहा है टॉपिक रोटेशन। कुछ लोगों को वो 10:30 वाले बिलीफ में है, देखना कुछ लोग 10:30 में आएंगे, उनको लगेगा कि 10:30 में, वो लोग नोट नहीं करते, ध्यान नहीं देते हैं कि कितने बजे क्लास है अगला वाला, तो इस वजह से आई थिंक मेनी ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कमिंग एट 10:30, देखते हैं। ओके देखो अभी अभी आ रहा है, और ये भी जो है अपना नाम ठीक से नहीं किया है। ऑलराइट तो देखिए रोटेशन में टुडे विल बी डूइंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है मोमेंट, मोमेंट एक टर्म है, मोमेंट एक टर्म है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म ये है, मोमेंट ऑफ एनीथिंग का मतलब हुआ उसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देना, मतलब उसका डिस्टेंस उसमें मल्टीप्लाई कर देना मोमेंट का मतलब। जैसे आपने जो टॉर्क किया था तो टॉर्क में आपने क्या किया था, एफ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया, टॉर्क में आपने टॉर्क जब निकाल रहे थे तो फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया। तो जब भी आप ना किसी चीज में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं मोमेंट लेना, ये फिजिक्स में ये एक फ्रेज है मोमेंट ऑफ। जैसे टॉर्क को आप क्या बोल सकते हो, टॉर्क को बोल सकते हो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोल सकते हो मोमेंट, एक तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मास का मोमेंट। आप कुछ देर बाद देखेंगे, एक दो क्लास के बाद आपको पता चलेगा जब हम लोग करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर क्या होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क को आप बोलते हैं, टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स,
मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो किसी चीज का रोटेशन टॉपिक में किसी चीज का मोमेंट लेना, यानी मोमेंट ऑफ मतलब हो गया पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना। शिवम कुमार अपना वीडियो स्विच ऑफ करिए, बार बार आपका वीडियो स्विच ऑन हो जाता है क्लास के दौरान, ये गलत काम है। ओके, तो मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, तो अभी क्या हो रहा है आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या है थोड़ा सा इसका झलक आपको दे दे। जैसे आपका होता है, इस पर हम लोग जाएंगे भी, हमने एक टॉपिक टाइप से बनाया है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। बट इन द मीन टाइम थोड़ा सा समझाने के लिए, जैसे एफ इक्वल टू एम ए होता है, उसी तरह से टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। देखो जो काम एफ करता है, मतलब एफ आपको एक्सेलरेशन देता है, लीनियर एक्सेलरेशन देता है, उसी तरह से टॉर्क टॉर्क ही घुमाता है। एफ आपको लीनियर मोशन देता है तो टॉर्क आपको रोटेशनल मोशन देगा। तो एफ वाला काम टॉर्क करता है, और ए तो हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, ये अल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां पर मास है, तो इसका काउंटर पार्ट इसी के जैसा कुछ यहां पर चाहिए, वो है आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्सिया। देखिए मास को आप इनर्सिया भी बोलते हैं, मास को आप इनर्सिया भी बोलते हैं, तो मास को आप इनर्सिया बोलते हैं। तो यहां पर भी इनर्सिया जैसा कुछ चीज चाहिए, और यहां पर जो इनर्सिया जैसा कुछ चीज चाहिए उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्सिया बोलते हैं। और हमने तो कहा ही आपको कि किसी भी चीज को लीनियर से रोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप उसका मोमेंट लेते हैं। तो ये हो गया इनर्सिया, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्सिया, यही क्वांटिटी हम लोग निकालेंगे। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया है अलग अलग शेप के लिए, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होता है, और ये सब चीज हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों को किस किस चीज का मोमेंट ऑफ इनर्सिया देखना पड़ेगा, तो हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्सिया देखना पड़ेगा। पहला हम लोगों को देखना पड़ेगा पॉइंट मास का, दूसरा हम लोग देखेंगे रॉड का, रॉड इनफैक्ट रॉड जो है थिन रॉड का, रॉड जो है हम लोग थिन पतला सा रॉड का देखेंगे। तीसरा देखेंगे रिंग का, चौथा देखेंगे डिस्क का, डिस्क हो गया पैसा जैसा चीज, कॉइन जैसा चीज। पांचवा देखेंगे सॉलिड्स, सॉलिड स्फीयर। छठा देखेंगे शेल, स्फेरिकल शेल। यहां पर आपको एक चीज लिख दे, रिंग एंड होलो सिलेंडर, क्योंकि देखिएगा दोनों का सेम आता है। एंड डिस्क यहां पर लिखेंगे, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर। तो इन सारे शेप का हम लोग, इन सारे शेप का विल बी सीइंग थोड़ा सा शायद इंटरनेट में आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा, देखते हैं क्या पोजीशन है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, इंटरनेट हैज गॉट स्लो अ लिटिल, देखते हैं क्या रीजन है। आई एम जस्ट रेक्टिफाइंग इट एंड गेटिंग बैक, प्लीज। I think internet has got really very, very slow here. So what is the way out? What is the way out? Should I wait? And I think what is the way out? Please remain online. Please remain online till I make the necessary correction, necessary thing. Please remain online. Please remain online. Gyan Prakash. Okay.
वेट 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 सर, आपका ऑडियो म्यूट किया हुआ है। हाँ, अब ठीक हो गया होगा। हाँ, चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बस हम प्रॉब्लम आ गया था, आई थिंक नाउ इट्स ओके। अपना जो है म्यूट कर लीजिए। ऑलराइट, या देखिए, आई ऑफ पॉइंट मास जो है, अगर आप पॉइंट मास लेते हैं, अब पॉइंट मास घूम रहा है सर्कल में, तो ये पॉइंट मास है जिसका रेडियस आर है, एक्सिस से दूरी आर है, तो ये होगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, छोटा सा बात है। तो पॉइंट मास का
पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा एम आर स्क्वायर, जहां मास हो गया मास, एम हो गया मास एंड आर हो गया उसका रेडियस। रेडियस मीन्स एक्सिस से दूरी, एक्सिस से दूरी एम आर स्क्वायर। तो अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो ढेर सारा पॉइंट मास है, तो ढेर सारा पॉइंट मास है। एक चीज और आगे के लिए आप ध्यान रख लीजिए कि अगर एक्सिस सेम है, अगर सेम एक्सिस है आपका, अगर आपका एक्सिस सेम है और ढेर सारा मास है, एक से ज्यादा मास है और एक्सिस सेम है, तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सीधे आप ऐड कर सकते हैं। तो एक मान लो ये हो गया एम वन, इसका डिस्टेंस हो गया आर वन, ये है एक सपोज एम टू, इसका डिस्टेंस है आर टू, एक इधर है सपोज एम थ्री, इसका डिस्टेंस है सपोज आर थ्री। तो इस केस में आपका आई नेट ऑफ ऑल मासेस अबाउट गिवन एक्सिस इज इक्वल टू, ये एम वन है। देखो क्या लेते हैं, मास लेते हैं, पॉइंट मास के बारे में बात करें अभी हम, और बाकी के बारे में बात नहीं करें, पॉइंट मास के बारे में बात करें। पॉइंट मास है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो ये हो जाएगा आपका एम वन इंटू आर वन स्क्वायर प्लस एम टू इंटू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री इंटू आर थ्री स्क्वायर। कहने का मतलब अगर एक्सिस आपका सेम है, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, नया चीज भी आप सीखेंगे, अगर आपका एक्सिस सेम है तो इंडिविजुअल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। एम आर स्क्वायर में एम तो हो गया मास एंड आर हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। आप ना आर के बारे में लिख सकते हैं, एम आर स्क्वायर में आपका ये हो गया मास जो आप जानते हैं, एंड ये जो आर है ना R हो गया perpendicular distance from axis, this you have to remember। तो एकदम बिल्कुल स्लोली चलेंगे क्योंकि नया टॉपिक आपके लिए है, हर बार आने से नहीं होगा, धीरे धीरे मास्टरी करेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला प्रॉब्लम जो हम आपको दे रहे हैं, उसमें आपका टेस्ट है कि कौन सा डिस्टेंस लेते हैं। रिमेंबर एक्सिस से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, ये एक्सिस हो गया, एक पॉइंट मास है एम, ये दूरी दिया हुआ है आर, एक ये पॉइंट मास है एम, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 3m, एंड ये डिस्टेंस दिया हुआ, इसका भी आर दिया हुआ, बट दिस एंगल हैज बीन गिवन 30 डिग्री। फाइंड आई नेट, ये है एक्सिस, अबाउट गिवन एक्सिस, ये आपको निकालना है इस प्रॉब्लम में। देखिए तीन मास है, यहां पर m, यहां पर 2m, यहां पर 3m, ये हो गया एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या करते हैं, एक्सिस तीनों का सेम है, तो तीनों का सेम है एक्सिस हमारा, जब तीनों का हमारा एक्सिस सेम है तो तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करते टाइम आपको केयरफुल रहना होगा, आपको केयरफुल, आकाश ऑफ कर लो अपना, जस्ट स्विच ऑफ योर, स्टॉप द वीडियो प्लीज। देखिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना नहीं भूलना आपको,
तो इसका जो है सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको मिटा रहे हैं और आप लोग सॉल्व करिए। उसको सॉल्व करने के साथ ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास विल बी ओवर, देन वी विल मूव ऑन टू अनदर थिंग। सो इज इट डन? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो बोलो, क्या कहना है सर? बोलो। पियूष झा बोल रहा है ऐड करने के लिए, वो बाहर हो गया था। क्या चीज सर? पियूष झा बोल रहा है ऐड करने के लिए, वो बाहर हो गया। हाँ आ चुका है, अंदर आ चुका है, आ चुका है अंदर। देखिए सारे लोगों को बता दें, वैसे लास्ट में बताएंगे कि अब क्लास का टाइम जो है बदल के 10 o'clock हो गया है, 10:30 नहीं है, 10 o'clock हो गया है। चलिए आ जाएं हम लोग इस केस में। आई नेट हो जाएगा इक्वल टू आई किसका, एम का प्लस आई किसका, 2m का प्लस आई किसका, 3m का। आई ऑफ m याद करिए, आई ऑफ m आपको कंफ्यूज कराने के लिए दिया गया है, सीधे एम आर स्क्वायर नहीं मार देना आपको। एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है जो कि आप याद रख रहे, लेकिन उसमें आपको यह ध्यान देना है कि r जो है ना, r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो बताइए m का, m का ठीक है ये r है, बट दिस r विल नॉट डू। ये कौन सा डिस्टेंस आपको चाहिए? आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए भाई साहब, आपका m यहां पर है, ये डिस्टेंस r एंड दिस एंगल हैज बीन गिवन 60 degree, यही सिचुएशन है। तो देखिए ऐसे ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा आर कॉस 60, यानी ये हो गया आर बटे 2। कहने का मतलब ये दूरी जो है ना परपेंडिकुलर दूरी ये है, ठीक है आर ये है, बट आपका जो एम है, एम का परपेंडिकुलर दूरी कौन है? ये आर नहीं है, आपका ये दूरी है, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज आर बटे 2, यू नो आर कॉस 60 यानी आर बटे 2, दिस एंड दिस विल बी इक्वल यानी आर बटे 2। तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ये आर बटे 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर ये आर बटे 2 का स्क्वायर। किसी से बात करते हैं, बात करते हैं, हम बात करेंगे नेचुरली उससे, क्या नाम है, नंदन से बात करते हैं। नंदन अपना वीडियो स्विच ऑन करो, वीडियो ऑन करो। आई थिंक हाँ, और ऑडियो हम आपको ऑन करते रहे। देखो क्या है, आप कौन सा डिस्टेंस ले जी, इसमें m का यहाँ पर आ जाते हैं, m यहाँ है, ये r नहीं चलेगा, r कंफ्यूज कराने के लिए दिया गया है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और cos थीटा sin थीटा करके तो आप निकाल ही लेंगे। तो ये r है ना, r cos 60, यानी ये हो गया कितना, बिल्कुल। तो कहने का मतलब हो जाएगा आर बटे 2 का स्क्वायर प्लस आई 2m, 2m का, 2m का भी संयोग से यही डिस्टेंस होगा, मतलब आर बटे 2 ही ये आ रहा है। इनफैक्ट इसको ठीक से लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका आर कॉस 60 यानी आर बटे 2, 2m का भी यही आ रहा है, तो 2m इंटू आर बटे 2 का स्क्वायर प्लस आई 3m, तो 3m into क्या चीज, कौन सा डिस्टेंस? आ जाओ यहाँ पर, ये देखिए r and n n n, अगर आप देखिएगा तो ऐसे मार दीजिए, तो this distance you require, perpendicular distance ये है, ये हो जाएगा r cos 30, और r cos 30 का जो वैल्यू है, r cos 30 का वैल्यू हो जाएगा r root 3 बटे 2, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा अब इसको इवैल्यूएट कर लेंगे। तो इस प्रॉब्लम से हम आपको कहना चाह रहे थे कि तो ठीक है, एक्सेलेंट, आप अपना दोनों चीज ऑफ कर लीजिए, फाइन, आप निकाल लेंगे। देखिए अब ये कुछ लोगों को बता दें, आई थिंक अभी भी 31 ही हुआ, अच्छा थोड़ा सा इंतजार कर लेते तब बताएंगे। चलिए वापस चलते हैं पढ़ाई पर। तो
आपको ना पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, कुछ प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे जिसमें कि जैसे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबको ऐड करते चले जाओगे जैसे सीरीज में ऐड करते हो। खाली केयरफुल रहना है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सीधे ऐड करना है, तब ऐड करना है जब आपका सारे मासेस का एक्सिस सेम हो, जैसे कि इस केस में, एंड डिस्टेंस लेना है परपेंडिकुलर। हम थोड़ा सा फिर एक बार नेहा से बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, कुछ लोगों का नाम ठीक से याद रहता है एंड वो लोग लगातार टच में रहते, तो आप सारे लोग टच में रहिए, तो हम आपसे भी बात करेंगे। और नेहा अपना वीडियो स्विच ऑन कर लो एंड तो समझ में आ गया? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, समझ में आया? यस सर। कौन सा डिस्टेंस लेते हैं? परपेंडिकुलर वाला। हाँ परपेंडिकुलर, वो जहां से होगा खोज के निकाल लेंगे और पॉइंट मास का ये हो गया। एक्सेलेंट, और सबको ऐड कर देंगे। चल आगे बढ़ते। तो पॉइंट मास इज ओवर। अब क्या है ना कि पॉइंट मास का हो गया एमआर स्क्वायर, इसी की मदद से कंटिन्यूअस मास का भी निकाला करेंगे हम लोग। इसी की मदद से हम लोग ऐसा मास का जिसमें कि यू नो जैसे रॉड है, रॉड में एक ही मास नहीं है, इनफिनिट नंबर ऑफ मासेस, यहां भी ऐसे करके, तो इसका हम लोग उसी की मदद से निकालेंगे। थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो चलते हम लोग एंड अब चलते हैं रॉड पर। मोमेंट ऑफ इनर्जिया ऑफ थिन रॉड, थिन रॉड कहने का मतलब सिर्फ लंबाई हो, मोटाई नहीं हो, तो इसको देखते हैं। तो देखिए ये आपका थिन रॉड हो गया एंड चलो फिर भी थोड़ा सा मोटाई को ले ही लो, ये आपका रॉड हो गया एंड ये हो गया एक्सिस। और देखिए क्या है कि हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, पहले ही बता दें आपको, हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे थिन रॉड का, हम लोग निकालेंगे रिंग का, हम लोग निकालेंगे डिस्क का, सबका, सॉलिड स्फीयर का, तो जिस किसी का भी निकालेंगे, तो एक्सिस हम जानबूझ के लेंगे जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करे। तो मतलब फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला हम लोग को दिमाग में रहेगा, पहले ही आपको आगाह कर दे रहे हैं, वार्न कर दे रहे हैं कि जितना भी फॉर्मूला हम लोग दिमाग में नोट करके रखेंगे वो सारा का एक्सिस जो होगा सेंटर ऑफ मास के थ्रू होगा, सेंटर ऑफ मास के थ्रू होगा। बाकी अगर एक्सिस कहीं और होगा तो हम लोग निकाल लेंगे, उसके लिए टेक्निक हम आपको बताएंगे। तो आप जैसे देखिए ये थिन रॉड है, इसका हम लोगों को फॉर्मूला निकालना है। एक्सिस हम लेंगे सेंटर ऑफ मास के थ्रू, लिया और मान लीजिए आपका ये रॉड का जो लेंथ है, सपोज रॉड का लेंथ है सपोज एल बटे टू, सॉरी एल है, आपका लेंथ है एल एंड मास है एम, मास है पूरे रॉड का मास है एम। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, मुश्किल नहीं है, ये आपका जीरो जीरो हो गया, ओरिजिन हो गया, इसका माइनस एल बटे टू हो गया, इसका एल बटे टू हो गया, यानी प्लस एल बटे टू हो गया। अब करना क्या है बताते हैं आराम से, पुल डाउन। हम लोगों ने क्या सिखाया आपको इससे पहले वाले में, अगर एक्सिस सबका सेम है, तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल के आप सीधे ऐड कर दो। तो अब देखो तो यहां पर मास है, सब जगह मास है, और सब मास जो है सबका एक्सिस एक ही है, तो हम सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सीधे ऐड क्यों ना कर दें? तो सीधे हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, तो सीधे हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला मास का डिस्टेंस यहां से एल बटे टू, इसका थोड़ा सा कम, तो डिस्टेंस आपका बदल रहा है। तो डिस्टेंस जब आपका बदल रहा है तो अब आप क्या करिएगा, एक छोटा सा मास ले लीजिए,
ये आपने लिया dx at a distance x, ये आपने क्या किया, छोटा सा मास ले लिया dx, पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी ये मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग mi बोलेंगे शॉर्ट में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग mi बोलेंगे, mi ऑफ स्मॉल मास dx इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए ये कैपिटल m नहीं लिया, ये m, m किसका है, ये उसका है, वो dx वाले का, m इंटू m कितना लोगे, m जो मास है आपका उसका लोगे, m हो जाएगा m बटे l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। फिर से ध्यान दीजिए, आपका इसका मोमेंटम इनर्शिया हो जाएगा इसका मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि परपेंडिकुलर ही है, mx स्क्वायर, mx। लेकिन अब आपको मास तो चाहिए, तो ये मास इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, m बटे l, आपका क्या है टोटल मास m है, डिस्टेंस l है, मतलब लेंथ टोटल l है, m बटे l इनटू dx। अब इस, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपको इस छोटे से मास का, i टोटल विल बी इंटीग्रेशन ऑफ m बटे l dx इनटू x स्क्वायर, एंड यहां लिमिट जाएगा माइनस l बटे 2 से l बटे 2 यहां से यहां, एंड तो अब इसको निकालना है, तो अगर निकालने के लिए जाइएगा तो m बटे l x स्क्वायर dx माइनस l बटे 2 से l बटे 2, और इसको निकालिए आप, सारे लोग निकालिए, बहुत लोग निकाल चुके होंगे लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, m बटे l यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन x क्यूब बटे 3 माइनस एल बटे टू से एल बटे टू इक्वल टू हो जाएगा एम बटे एल एल क्यूब, इस थ्री को बाहर ले लेते हैं, एल क्यूब बटे 8 माइनस माइनस एल बटे 3 बटे 8 इक्वल टू हो जाएगा एम बटे 3 एल एम बटे 3 एल, ये माइनस आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2l क्यूब बटे 8, एंड दिस इज फाइनली गिविंग यू ml स्क्वायर बटे 12। तो इसको आप लिखें, फिर आपसे बात करते हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। आपका यहां से चला था ऐसे कर करके ऐसे गया है, इसको आप लिख लें। देखिए सारे लोगों को बता दें, कुछ लोगों ने शायद नोट करना भूल गए थे, अब से क्लास का टाइम आपका 10 बजे हो गया, 10 o'clock, और कल संडे था तो संडे को हम लोगों का क्लास नहीं हुआ था, हम लोगों ने पहले ही अनाउंस कर दिया था। तो दो चीज जो आपको नोट करना है, एक तो ये कि संडे को हम लोगों का क्लास नहीं हुआ था, अगला होगा कि नहीं होगा वो हम आपको एक दिन पहले बता देंगे, और क्लास का जो टाइमिंग पहले रहा करता था 10:30, वो 10:30 के बदले नाउ इट विल बी
10 o'clock. जैसे for example today it started at 10 o'clock. तो आप उसी हिसाब से करेंगे और लेट आने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा एंड क्लासेस को नहीं ही छोड़ना है. एंड पल्लवी पीयूष हैज कम लेट, सो थोड़ा सा पल्लवी पीयूष से बात कर ले कि एक्चुअल में उसका क्या प्रॉब्लम था. पल्लवी जी आप अपना जो है वो थोड़ा ये भी ऑन कर ले और वीडियो भी ऑन कर ले, वीडियो भी ऑन कर ले एंड लेट मी हैव अ वर्ड विथ यू. आप अपना वीडियो भी ऑन कर ले, वीडियो भी ऑन करें प्लीज पल्लवी. यस सर. हाँ. आप अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए. हाँ ओके. लेट आए हैं आप क्लास सर, कल नहीं सुन पाए थे. अच्छा अच्छा चलो, तो कल तो इनफैक्ट क्लास नहीं भी था संडे को, तो हाँ परसों आप आए नहीं थे ना. आए थे लेकिन थोड़ा लेट हो गया था. अच्छा अच्छा चलिए, ध्यान आपने लिया तो ध्यान रखेंगे. 10 o'clock हो गया टाइम. ओके चलिए स्विच ऑफ कर लीजिए, मतलब स्विच ऑफ मीन्स आप अपना वो वीडियो ऑफ कर लीजिए. थैंक यू थैंक यू. सो ये सारे लोगों ने लिख लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं लिखा था तो इनफैक्ट जितना जल्दी हो सके लिख लो. 2 मिनट हम आपको टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, प्लीज राइट इट डाउन फास्ट एनफ. तो निष्कर्ष अपना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बाद में अपना देख लेना, हमको मिटाना जरूरी है ना. हम मिटा रहे हैं इसको. तो वी गॉट रॉड का, हम लोगों को निकल गया रॉड का मोमेंटम फिगर से निकल गया ML square root 12. और ये जो ML square root 12 है ये एक्सिस कहां से पास कर रहा है. ये ML square root 12 आप याद तो रखेंगे, बट ये ML square root 12 है ऐसा एक्सिस जो कि सेंटर से पास करे, रॉड के सेंटर से पास करे तब होगा ML square root 12. तो आपका इसलिए IC इक्वल टू लिखेंगे ML square बटे 12, मतलब ये हो गया MI ऑफ थिन रॉड अबाउट CM सेंटर ऑफ मास, मतलब बीचों बीच. इसका मतलब हो गया, और ये जो डायरेक्ट डायग्राम है ये रॉड हो गया एंड ये एक्सिस हो गया, तो ये IC का वैल्यू हो गया ML square बटे 12. कहने का मतलब ML square बटे 12 जो आपका रॉड का होगा, ML square बटे 12 जो रॉड का होगा वो सिर्फ तब होगा जब आपका एक्सिस सेंटर से पास करे. नेचुरली कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक्सिस सेंटर से ही पास करे. अगर एक्सिस आपका एक किनारा से पास करता है, यहां से पास करता है तो क्या होगा, या एक्सिस आपका यहां से पास करता है तो क्या होगा. इन सब चीजों के लिए दो थ्योरम है, उसको हम कुछ देर बाद देखेंगे. थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, तब तक हम लोग कुछ और शेप को कर ले, बारी बारी से बढ़े. कहने का मतलब अभी तत्काल हम सारे शेप के लिए निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के थ्रू, और एक्सिस अगर मेरा शिफ्ट करेगा, नया एक्सिस कहीं और से एक्सिस अगर होगा उसका टेक्निक हम लोग सीखेंगे. तो लेट अस अभिषेक वर्मा तुम अपना जो है देखो, कल भी तुम नो ये स्विच ऑफ करो. अभिषेक वर्मा जी रिमेम्बर क्लास आपका 10 o'clock से होता है, तो 10 बजे से पहले आया करिए, ठीक रहेगा, नहीं तो क्लास छूट जाने से कोई फायदा नहीं होगा आपका. सो लेट्स मूव ऑन टू, हम लोग याद रखेंगे ML square root 12 momentum inertia of thin rod किसके थ्रू, जब एक्सिस आपका सेंटर से पास करेगा. कहीं और से एक्सिस पास रहेगा तो फिर हम लोगों को उसके लिए कुछ दूसरा टेक्निक लगाना पड़ेगा, वो टेक्निक हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे. अब नेचुरली हम लोगों का चॉइस है अगला वाला momentum inertia of ring. देखिए डेरिवेशन याद रहे नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं है, डेरिवेशन अगर अच्छा है जानते हैं तो अच्छा बात है, डेरिवेशन अगर याद नहीं भी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन याद रहना जरूरी है. जैसे एट द एंड ऑफ द डे अब आपको याद ये रखना है रॉड का मोमेंटम इनर्शिया ML square root 12 थ्रू सेंटर.
एक्सिस टू सेंटर. अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग. अब इस केस में भी निकालने जा रहे हैं तो सर्कुलर रिंग जो है उसका एक्सिस जो लेंगे हम लोग सेंटर के थ्रू लेंगे एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ये हो गया आपका रिंग एंड ये मेरा हो गया एक्सिस. तो एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग. देखिए सेंटर से तो डायमीटर भी पास करता है लेकिन वो एक्सिस नहीं है मेरा अभी अभी, बाद में देखेंगे. अभी तत्काल जो हम निकालने जा रहे हैं उसमें एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग. अभी ये एक्सिस है, बाद में हमारा एक्सिस बदलेगा उसके लिए नया रास्ता निकालेंगे. हम आपको टेक्निक बताएंगे, सिंपल है बट वी हैव टू गो इन स्टेप्स, वी हैव टू गो इन फेजेस. धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ये निकालना. तो मान लो इसका रेडियस आर है एंड मास एम है. देखिए क्या है ये, इसमें बहुत सिंपल है. इसमें सिंपल ये है कि चाहे ये मास ले, इस रिंग का सारा मास सेंटर से कितना दूर पर है, आर दूरी पर है रिंग का. चाहे यहां वाला मास ले लीजिए, यहां वाला मास ले लीजिए, सबका दूरी, यू नो रिंग के केस में क्या होता है, रिंग के केस में आपका हर एक दूरी आर है, हर एक दूरी आर है. कहने का मतलब रिंग के केस में ये जितना भी मास है सब आर दूरी पर है. और हमने क्या सीखा था कि जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढेर सारा मास का निकालिए तो सबको सीधे जोड़ दीजिए अगर एक्सिस आपका सेम है. इस केस में एक्सिस सेम है और सब मास का दूरी भी आर. अच्छा इसे थोड़ा सा समझ लें, इसे पहले वाले प्रॉब्लम इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा था रॉड के केस में. रॉड के केस में इंटीग्रेशन इसलिए करना पड़ा था क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मास जो है ना वो अलग अलग दूरी पर था. इस केस में इंटीग्रेशन नहीं करने की जरूरत है क्योंकि जितना भी मास है वो सारा मास आपका, जितना भी मास है वो सारा मास आर दूरी पर है. इस केस में सीधे हो जाएगा आईसी इक्वल टू एम आर स्क्वायर, कोई इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं. तो रिंग के केस में रिमेम्बर, रिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा सिंपल भी है. रिंग के केस में, रिंग के केस में चूंकि सारा मास आपका आर दूरी पर ही है इसलिए आईसी इक्वल टू एम आर स्क्वायर. तो हम लोगों को एक ये फॉर्मूला भी हमारे हाथ में हो गया. जल्दी से लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. लिखे आप डिस्क पर चलेंगे, तब तक हम बात कर लेते हैं ज्ञान प्रकाश से. ज्ञान प्रकाश तुम आ जा रहे हो, क्या बात है भाई. ज्ञान प्रकाश लेट मी हैव अ वर्ड विद यू. ज्ञान प्रकाश जस्ट स्विच ऑन योर वीडियो एंड हाँ स्टार्ट द वीडियो एंड ओके. थोड़ा सा हम लोग वीडियो लाते हैं कभी कभी बीच में, तो क्या करिए फॉर्मल ड्रेस थोड़ा सा पहन लिया करिए, कम से कम शर्ट वगैरह. तो आगे से तो क्या होगा कि दिस विल गो इनटू द रिकॉर्डिंग एंड इन दैट केस आपको खुद का फोटो खुद अच्छा नहीं लगेगा. इट इज बेटर टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा सा बाल वगैरह में कंघी मार लिया करिए एक बार. बड़ा हो गया है. हाँ वो तो सबका हो गया नेचुरली, आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं. चलिए लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. क्या पोजीशन है ये समझ में आ गया? यस सर. इसमें तो क्या है ना कि सारा मास आपका एक ही दूरी पर है इसलिए इंटीग्रेशन में कोई जरूरत नहीं. yes, इसमें तो हो गया. बिल्कुल बिल्कुल एक्सेलेंट. चलिए हम लोग वापस चलते हैं पढ़ाई पर. ओके अब चलते हैं. तो रिंग का हो गया, फिर इसमें भी एक्सिस बदलेंगे लेकिन याद रखेंगे सिर्फ सेंटर वाला. चलो इसको भी मिटाते हैं. अब हम लोग चलेंगे डिस्क पर, देखते हैं कितना कितना आज हम लोग खत्म कर पाते हैं. सारे लोग अपना जो चैनल है YouTube पर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशंस आएंगे तो आपको पता चल जाएगा. देखिए इस तरह से YouTube चैनल पर जो क्लास आपका होता है उसमें वन वे ट्रैफिक है. उसमें इस तरह से आप वीडियो पर सारे लोगों को जिसको मन हुआ उससे आप बात नहीं कर सकते हैं, उसको आप ला नहीं सकते हैं शायद. सो फार एज आई नो, सो इट्स अ मच बेटर वे ऑफ कंडक्टिंग द क्लास. हम लोगों को तो लगता ही नहीं है कि वी आर नॉट इन द क्लास. बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं एंड शांति भी है. कोई अननेसेसरी कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. एंटायर कंट्रोल इज देयर विथ अस. सो इट्स अ ग्रेट वे टू टेक द क्लास एंड कोई क्लास आपको नहीं छोड़ना है. अगला हम लोग चले हैं. तो लेट्स
रिंग हो चुका है, रिंग का है आपका, रिंग का आ गया एमआर स्क्वायर। अगला है आपका डिस्क, आई यानी एम आई ड्यू टू अ डिस्क, इनफैक्ट सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क, ये आपका पैसा जैसा ही है। डिस्क का मतलब हो गया कॉइन, डिस्क का मतलब हो गया पैसा जैसा, पैसा पैसा कॉइन, ये हो गया कॉइन। एंड इसमें सब जगह मास है, रिंग में क्या था कि सिर्फ सर्कल पर था, लेकिन इस केस में सब जगह। एंड ये हो गया आपका एक्सिस, ये एक्सिस भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। अब ये हम लोगों को निकालना है, तो आपको क्या है कि इसमें देखिए यहां वाला मास है आर दूरी पर, यहां वाला मास है आर दूरी पर, यहां वाला मास कम दूरी पर, यहां वाला मास कम दूरी पर, यहां वाला मास कम दूरी पर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कैसे इसको, एक बार हमने आपसे डिस्कस भी किया था, लेकिन अगर किसी वजह से आप मिस कर रहे हैं तो देखिएगा कैसे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। आ जाइए इसको सिंपल सा बना लीजिए, आप ये बना लीजिए रिंग जैसा बना लीजिए, ये पूरे में मास है, लेकिन आप ना एक पतला सा रिंग ले लीजिए, ये ले लीजिए, आपने क्या किया एक्स रेडियस का डी एक्स मोटाई का आपने एक रिंग ले लिया, एक्स रेडियस का, एक्स रेडियस का, एक्स का आगे डी एक्स होता है तो ये डी एक्स, ये आपने रिंग ले लिया। पहले हम लोग निकालेंगे पतला सा रिंग का, रिंग का तो हम लोग जानते ही हैं, तो पतला सा रिंग, लिसन एक्सिस, अगर ऐसा डायग्राम बनाए हैं तो ये हो गया एक्सिस, लेकिन अगर ऐसा बनाए हैं समझाने के लिए बनाया था, तो इन दिस केस एक्सिस विल बी लाइक दिस, ये है आपका एक्सिस इन दैट, इन दिस केस इसको परपेंडिकुलर एक्सिस है, लेकिन एक्सिस को खड़ा नहीं रख सकते हैं, समझाने के लिए ऐसा लेके चल रहे हैं। तो देखिए क्या है, ये रिंग आपका हो गया, पहले निकालेंगे इस रिंग का, एक बात बताओ, और ये डिस्क का मास है एम, यहां पर आपका जो मास है, यहां जो आपका मास है एरिया में है, डिस्क में जो मास होता है ना एरिया में होता है, डिस्क में जो आपका मास होता है वो एरिया में होता है। तो देखो ये जो आपका रिबन है, रिबन जैसा लग रहा है, फीता जैसा लग रहा है, इसको अगर कट करके आप फैला दे तो ऐसा लगेगा, इसको अगर कट करके फैला दे तो ऐसा लगेगा, एंड इसका लेंथ हो जाएगा 2πx, एंड इसका चौड़ाई हो गया dx। समझाने के लिए कोई जरूरत नहीं था, फिर भी हमने आपको समझाया, इसको कट करके इसको फैला दे तो इसका लंबाई हो जाएगा, रिंग है ना 2πx एंड चौड़ाई dx, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू चौड़ाई 2πx dx, इसका मास हो जाएगा m बटे पाई आर स्क्वायर इनटू 2πx dx। देखो क्यों भाई, बताइए तो इसका पूरा एरिया, यू नो इसका कैपिटल रेडियस ले लो, कैपिटल रेडियस, देखो पूरा एरिया है, पूरा एरिया एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर का, सॉरी सॉरी सॉरी, पाई आर स्क्वायर, पूरा एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसका मास है कैपिटल एम। तो ये जो यूनिटरी मेथड से चलते हैं, इसलिए एक का क्या हो जाएगा एम बटे पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर इसका क्या हो जाएगा, एरिया है आपका 2πx dx, तो मास हो जाएगा एम बटे पाई आर स्क्वायर इनटू 2πx dx। तो ये मास अभी अभी हमने निकाला, ये मास निकल गया हमारा इसका, और रिंग का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रिंग विल बी इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, क्यों एम एक्स स्क्वायर, इसका मास इसको इनटू इसका रेडियस का स्क्वायर, एम का वैल्यू लिख दो यहां से एम बटे पाई आर स्क्वायर 2πx dx into x square total, I will be equal to integration m बटे पाई आर स्क्वायर 2πx dx x square, इसको आगे लेके बढ़ते हैं m बटे पाई टोटल, जो है आपका रेडियस कहां से कहां चला जाएगा, जीरो से आर,
आपका चला जाएगा जीरो से आर, और इसका हो जाएगा एक्स फोर बटे फोर, यानी हो जाएगा आपका एम बटे पाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई इंटू आर फोर बटे फोर, एंड ये कट वट पे आपको फाइनली दे देगा, ये आपको फाइनली दे दे रहा है एम आर स्क्वायर बटे टू. सो दिस इज द आंसर दैट वी गॉट, एम आर स्क्वायर बटे टू. लिख लीजिए इसको. रिमेंबर व्हाट आई मीन टू टेल यू इज, ठीक है, हमारा काम था और आपका भी काम था डेरिवेशन दिखाना, सीखना, सीखने का प्रयास करिएगा, एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे. बट याद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो हमारा कहना है, जो हम लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि ये एक्सप्रेशन अगर याद रहता तो बेहतर होगा. तो डिस्क का हो गया एम आर स्क्वायर बटे टू, और भी बात करेंगे, पहले इसको आप लिख लें. तो इसको आपने लिख लिया होगा और याद हम लोगों को रखना है. क्या सब अभी तक सीखा हम लोगों ने, अगर ठीक से देखें, आई पॉइंट मास का देखा हम लोगों ने एम आर स्क्वायर, आई रॉड का देखा एम एल स्क्वायर बटे ट्वेल्व, आई मिटा रहे हैं भाई, आई पॉइंट मास का आपको एम आर स्क्वायर, आई रॉड का एम एल स्क्वायर बटे ट्वेल्व. एंड रिमेंबर ये जो भी लिख रहे हैं, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब बीचों बीच, आई रिंग का हो गया एम आर स्क्वायर. क्यों? क्योंकि रिंग केस में सारे मास आर दूरी पर हैं. आई डिस्क का हो गया, इसमें क्या है ना, याद रखने का तरीका बताते हैं. इसमें डिस्क के केस में सब जगह मास है, तो सब जगह मास है तो कुछ मास जीरो पर है, कुछ मास एकदम पेरिफेरी पर है, कुछ मास जीरो पर है, कुछ मास पेरिफेरी पर. तो एवरेज ले लो एक तरह का, वैसे निकाला हमने, निकाल के दिखाया एम आर स्क्वायर बटे टू, एवरेज हो जाएगा एम आर स्क्वायर बटे टू, याद रखने का तरीका. तो ये चारों चीज आपको किसी भी समय याद रहेगा, तो लिख लें. एंड इधर हम मिटा रहे हैं.
In the meantime, let me have a word with someone. Neha Kumari perhaps wants to have a word with me. One second. Neha, boliye kya kehna chahte hain? Sir, agar wo concentric circle wala disc rehta aur ek radius a rehta center se aur ek b rehta to kaise nikalte? Wo simple sa hai, wo numerical ho gaya na, to abhi to hum log concept develop kar rahe hain, lekin fir bhi kyunki aapne na pucha hai to hum aapko bata dein. आपको बता देते हैं, वन सेकेंड. देखो क्या है, वो देख लेंगे, बड़ा मुश्किल नहीं है. आप ना दो तरीके से उसको कर सकते हो, एक तो इंटीग्रेशन मेथड से, या आप ना ऑलराइट ओके. वो निकालने का तरीका आप सीख जाओगे, हम बताएंगे. जैसे सेम एक्सिस में जब आप ऐड कर सकते हो तो सेम एक्सिस में आप कट करके निकाल भी सकते हो, टेक्निक बताएंगे. थोड़ा सा हमको और भी कुछ शेप को कवर करने दो, शेप को कवर करते हैं, हो सकता है आज ही हम आपको वो भी डिस्कस कर दें. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड उससे पहले एक बार शुभम वॉन्ट्स टू हैव अ वर्ड विथ मी. शुभम आप अपना वीडियो ऑन कर लें. सर दूसरा मोबाइल से आ रहा है, अप्रूव कर दीजिएगा. अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक. ऑलराइट, इन द मीन टाइम भारद्वाज, प्रशांत भारद्वाज कहाँ है? प्रशांत भारद्वाज, वेयर इज प्रशांत भारद्वाज? वेदर ही इज हियर. ओके प्रशांत भारद्वाज जी, कम बैक टू, आप अपना वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए. हाँ प्रशांत जी बताइए, क्या हाल चाल है? यस सर. ठीक ठाक है? यस सर. ओके, ये जो डेरिवेशन हमने किया उसको आपने ठीक से कॉपी किया? यस सर. ओके, ज्यादा दिक्कत नहीं ना? नो सर. ओके, थोड़ा सा दिक्कत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट याद रखना. और रिजल्ट याद रखोगे, अभी उसका एप्लीकेशन भी हम सिखाएंगे, धीरे धीरे आपके याद हो जाएंगे. ऑलराइट, ओके यस सर. चलिए हम लोग निकलते हैं आगे. ये आपका एक शेप है, सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर का डेरिवेशन जो है आपका लंबा है एंड टाइम कंज्यूम करेगा. इसका सीधा हम आपको वैल्यू दे दे रहे हैं, एक्सप्रेशन दे दे रहे हैं. सॉलिड स्फीयर का हो गया आई इक्वल टू आई सी इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर. एक शेप है आपका हॉलो सिलेंडर. ये जो आपका ना ये सॉलिड स्फीयर है एंड एक्सिस ये है, तो इसका याद रखेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर. ये हॉलो सिलेंडर ले रहे हैं, हॉलो सिलेंडर. नाउ रिमेंबर इस केस में क्या होने वाला है, मुश्किल नहीं है. देखो कैसे निकालेंगे इसका, हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है तो सारा मास कितना दूर पर है बताओ, आर दूरी पर है, हॉलो सिलेंडर है, सारा मास आपका आर दूरी पर है. हॉलो सिलेंडर के केस में सारा मास आपका आर दूरी पर है, चाहे यहां रहे यहां रहे यहां रहे यहां रहे, सारे के सारे आपको आर दूरी पर है. इसका ये इसका जो हो गया ना सीधे एम आर, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं. एंड ये हो गया आई सी इक्वल टू एम आर स्क्वायर. रिमेंबर अगला वाला है आपका सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर के केस में ये देखिए पूरे में मास है, थोड़ा मास जीरो मास है,
एक्सिस पर जीरो मास, यहाँ पर मैक्सिमम मास, एक तरह का एवरेज ले लो, मतलब ये इसमें ना डिस्क वाला फंडा लगेगा, तो कोई जरूरत निकालने का नहीं, सीधे IC will be equal to MR square बटे 2, कहने का मतलब सॉलिड सिलेंडर में डिस्क वाला, सॉलिड सिलेंडर में डिस्क वाला, सॉलिड सिलेंडर में डिस्क वाला एंड हॉलो सिलेंडर में रिंग वाला एंड सॉलिड स्क्वायर का आपने हमने बता ही दिया 2 to 5 MR square. तो इन सब चीजों को लिख ले. अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है अभी के अभी कि अगर एक्सिस बदलेंगे तो क्या होगा, इसको लिख ले आप अभी अभी जो हमने बताया. एंड याद रखने का तरीका अभी बताया, जैसे हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर का कैसे याद रहेगा, सारा मास r दूरी पर mr स्क्वायर. सॉलिड सिलेंडर का क्या है कि कुछ यू नो एक्सिस पर जीरो मास और मास धीरे धीरे दूरी बढ़ते जा रहा है, तो बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन है डिस्क वाला, यानी mr स्क्वायर बटे 2. और सॉलिड स्फीयर का थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर था, क्लास में हम उतना टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं, 2/5 MR square, ये आपको याद रखना है. तो ये सारी चीज आप सीख गए, अब आपको कुछ नया टेक्निक सिखाएंगे, इसको आप लिख ले. आज की क्लास में विल कंफर्टेबली फिनिश अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच हैपेंड टू बी वन ऑफ द यू नो लेंथीएस्ट टॉपिक्स, बट somehow or other we managed to do it in a you know short span of time. Wo solid sphere khas karke agar hum log karne lagte kuch fayda koi khas hota nahi, but we would have wasted our much of our time. And you can practice derivation of solid sphere through book, it won't be any kind of difficulty. I have already discussed with you in the class the integration setting of solid sphere, so it won't be much of a difficulty for you. In the meantime, let me have a word with, I have plenty of time to for moment of inertia, you know, in the remaining class today. So we'll certainly complete the topic, but let me have a word with Thaneswar. Thaneswar is my favorite. Thaneswar, let's gap. You start your video and I'm unmuting you. Let's have few words with you. Thaneswar ji, bataiye, are you feeling comfortable? Yes, sir. Excellent. Dekhiye, man lagta hai padhai mein. Yes, sir. Okay. एकदम रेगुलरली क्लास करते हैं. डेरिवेशंस में क्या है ना कि ठीक है आप प्रैक्टिस करेंगे, चार दिन चार बार पांच बार इसको उतारोगे बनाओगे तो जाके आपको डेरिवेशन याद रहेगा. बट हमने जो इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट को हमने इस तरह से आपके सामने रखा है कि एकदम दिमाग में शायद सेट कर दिया होगा. फॉर एग्जाम्पल देखिये, आप बात कर रहे हैं आपसे, बट माई पर्पज इज टू एड्रेस ऑल ऑफ यू, राइट? दैट इज द की, सो डोंट गेट अपसेट. जैसे पॉइंट मास का एम आर स्क्वायर हो गया, राइट? रॉड का ML square बटे 12 हो गया, एंड रिंग जो है, रिंग में सारा मास जो है एक्सिस से रिंग में इक्वल डिस्टेंस पर है, एम आर स्क्वायर ही हो गया, है ना? एंड डिस्क में क्या है कि कुछ जीरो पर है एंड कुछ बहुत दूर पर है, तो एवरेज एम आर स्क्वायर बटे 2 हो गया. एंड आपका सॉलिड स्क्वायर का 2/5 MR square हो गया, उसका निकाला नहीं, आप घर में देख लोगे, दिक्कत नहीं आएगा. एंड आ जाओ थोड़ा सा हॉलो सिलेंडर का, जहां तक सवाल, हॉलो सिलेंडर में क्या है, आपका सारा मास आपका पेरिफेरी पर ही है, सीधा हो गया कितना, MR square. एंड सॉलिड सिलेंडर के केस में कुछ मास जीरो पर, कुछ मास एकदम बाहर में, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, एवरेज ले लेंगे, यानी आपका हो गया MR square बटे 2, राइट? एक्सेलेंट. तो देखो सब कुछ हम लोगों को याद ही हो गया. एंड अब जो है एक्सिस अगर बदलेंगे तो कैसे कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, वो चीज अभी सीखेंगे. एक्सेलेंट. सो नाइस ऑफ यू तानिश्वर, इसी तरह से आप पढ़ते रहे, थैंक्स. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं. आप लोगों में से अगर कोई भी हमसे बात करना चाहते हैं तो यू कैन हैव अ वर्ड विद मी जस्ट नाउ, यू कैन आस्क डाउट्स और एटसेट्रा, व्हाटएवर यू वांट टू. देखो क्या होता है कि ये जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने सीखा, इन सारे केसेस में आपको एक्सिस है मिडिल पॉइंट से पास कर रहा है, मिडिल पॉइंट यानी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, साथ साथ परपेंडिकुलर रह रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एक्सिस वहीं से हो. आपको जरूरत पड़ सकता है
रोटेशन टॉपिक में, जबकि आपका एक्सिस यू नो बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से भी हो, स्ट्रेंज विचित्र तरीके से भी हो, तरह तरह का यू नो आपके लिए ट्रैप क्रिएट किया जाएगा. तो इन सब चीजों को कैसे हम लोग डील करेंगे वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं. तो कैसे सीखेंगे, देखिए इसमें पहला चीज तो हो गया ये है, दो थ्योरम होता है, एक होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसका कहना है कि ये देखिए, ये अगर आपका ये अगर एक्सिस आपका है सीएम के थ्रू, ये एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास के थ्रू है और ये एक जनरल एक्सिस है, ये कोई नया एक्सिस है जिसका दूरी एक्स है, तो इसके अबाउट हो जाएगा ये है, इसके अबाउट आईसीएम है, इसके अबाउट हो जाएगा आईसीएम प्लस एम एक्स स्क्वायर. कहने का अभी दिखाएंगे आपको, कहने का मतलब अगर नया कोई एक्सिस है जो कि आपके सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के पैरेलल है, इसका नाम ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल है, तो नया आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आईसीएम प्लस एम एक्स स्क्वायर. तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको दिखाना भी होगा, देखो कैसे. और x क्या है, दोनों के बीच का गैप. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक रॉड ले लें, ये हो गया आपका एक्सिस थ्रू सीएम एंड इसके अबाउट आईसी होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, बताओ किसी को डाउट नहीं है. लेकिन अगर आपको यहां एक एक्सिस दिया हुआ है, एक एक्सिस नया एक्सिस, देखिए ये एक्सिस ना आपको से डबल से नहीं, कहीं और से पास करा दिया, कॉर्नर से पास करा दिया, ये एक्सिस कॉर्नर से, इसका आपके पास रेडी नहीं है आंसर, तो क्या होगा. तो ये दूरी कितना है, ये दूरी हो गया आपको एल बटे टू, तो ये दिस आई विल बी इक्वल टू आई सी प्लस एम एक्स स्क्वायर, यानी आई सी दिख दो एम एल स्क्वायर बटे 12 प्लस एम, दोनों के बीच का गैप कितना है एल बटे टू का होल स्क्वायर. एंड अब निकाल लो तो हमको पता है ये आ जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे एम एल स्क्वायर बटे 3. तो ये ना कहने का मतलब आप याद रखोगे कुछ ही फॉर्मूला, लेकिन उसी के थ्रू, उसी के यूज से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के यूज से आप नया नया एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं. तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, इसको लिख ले आप और फिर हम और चीज आपको बताने जा रहे हैं. दूसरा प्रॉब्लम दे रहे हैं एंड दूसरा प्रॉब्लम है आपका यही रॉड है, जल्दी से लिखें. ये रॉड दिया हमने, इसका मास m है, लेंथ l है, एक एक्सिस दिया, ये सेंटर है एंड ये है आपका l बटे 4, इसके अबाउट i चाहिए, बताइए क्या होगा, कैसे करेंगे आप. ये तो आपका थ्योरम हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमने एक बताया था, इसको आपको निकालना है, निकालिए जल्दी से, एंड कोई डाउट है तो आप हमसे पूछेंगे, निकाले. देखिए क्या होता है ना कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. सम ऑफ यू माइट बी टेकिंग इट लाइटली, ओके ऑनलाइन क्लास इट्स अ काइंड ऑफ फन, ओके आई मे अटेंड मे नॉट अटेंड डजंट मैटर. नो,
अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो दिस इज what is happening is the biggest opportunity for you, greatest opportunity for you. And some of you, in fact, many of you, और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जो लोग regular class कर रहे हैं, जो for example, all the students who are right now with us, are really sincere and serious students, and they are benefiting quite a lot. आप जो घर में otherwise आराम करते हैं, उससे बेहतर है कि you are studying from the comfort of your home. So, इसको miss नहीं करना है, and the advantage and the benefit I'm showing you. For example, what's going to happen? Today we have finished Moment of Inertia. And yesterday I had given you the list of things that you'd be doing in this class for in rotation topic. There were 7 things. That means almost 7 classes. This today was the second class of rotation. That means 5 more classes to go for rotation. कहने का मतलब 5 और क्लास अगर लेंगे 5 दिन के अंदर, कहने का मतलब within a week your rotation topic, one of the, you know, people feel really tough one, but in my case when I teach you, it hardly remains tough. It becomes so easy, as you will notice. And in fact, you must have noticed already what has happened in Moment of Inertia. So easy. All the formula in the very first class, you got it all in your mind. And ab isko use karna sikhayenge. Fir baki aage ka jo concepts wagera hai, aap dekhenge, kuch bhi ratna nahi padega. Sab kuch aapke dimag mein straight jayega. And one more thing, I have a feeling that you people are do not have, many of you do not have the book, the reference book. So tomorrow today or tomorrow, few photocopy, that is scanned copy, I'll put at the website so that you can download them. Your DC Pandey book itself. That's what I mean. उसका जो कुछ पेजेस है उसको स्कैन करके हम आपके वेबसाइट पर दे देंगे, जिससे कि आप डाउनलोड कर लें. अगर आपके पास ऑलरेडी बुक नहीं होगा तो उसे प्रॉब्लम बनाने में एक्सेट्रा यू माइट बी हैविंग कंफर्ट. सो लेट्स गेट बैक टू, तो हमने दिया था ये प्रॉब्लम. देखिए क्या है इसके अबाउट, ये ना सेंटर से पास नहीं कर रहा है, इसको निकालना पड़ेगा आपको. आपको किसके अबाउट पता है? रॉड का. आपको रॉड का पता है सेंटर के अबाउट, तो इसके अबाउट आपको पता है. ये आईसी होता है एम आर स्क्वायर बटे 12. तो ये I हो जाएगा, this I will be equal to IC plus MX square, यानी ये हो जाएगा ML square बटे 12 plus MX square. MX कितना है, gap कितना, L बटे 4 का whole square, और ये अपना निकाल लेंगे, that will be the answer. तो किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं. चलते हैं. आज हम ना अंकेश किरण से बहुत दिनों से बात नहीं किया है, अंकेश किरण से भी बात करेंगे. एंड इन द मीन टाइम लेट मी चेक वेदर मेघना शेखर इज देयर और नॉट. मेघना शेखर से भी हम थोड़ा सा बात कर लें. मेघना जस्ट आप ना अपना वो वीडियो भी स्टार्ट कर लो, दैट विल बी बेटर. देख ले क्या हाल चाल है आपका मेघना शेखर. चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बहुत दिनों से आपसे भेंट नहीं हुई, बात नहीं हुई. भाई का क्या हाल है? ठीक है. अच्छा, ये जो डेरिवेशन था ना, अगर मान लो तुरंत नहीं आपको ग्रिप में आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट था, रिजल्ट जो निकला, वो शायद एक ही क्लास में दिमाग में चला गया होगा. यस सर. हाँ, और ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने बताया, इससे क्या होता है ना, आप कभी भी किसी भी एक्सिस के अबाउट आंसर निकाल सकते हैं. थोड़ा सा आपके भाई से भी हम बात कर लेते हैं. अभी बात करेंगे आपके भाई से. लेट मी हैव अ वर्ड विद, आप अपना स्विच ये कर लें, ऑफ कर लें, एंड थोड़ा सा बात कर लें मनी शेखर से. Money is a very very funny kind of person. Money बोलो. हाँ, पहले तो आप ये बताइए कि आपने बाल क्यों मुड़वाया? बाल कट कर गई. अच्छा अच्छा अच्छा. आप सब ठीक ठाक हैं? आपका जो है इंटरनेट बहुत स्लो है कंपेयर टू मेघना शेखर. तो आप एक काम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप में वही इंटरनेट यूज कर सकते हैं, एंड दोनों भाई बहन एक जगह बैठ सकते हैं. आप दोनों एक रूम में नहीं बैठते क्या? यस सर. अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है. ये मेरा सजेशन था. इंटरनेट थोड़ा सा फास्ट रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और उस दिन आपको रिमूव कर दिए थे तो थोड़ा सा तकलीफ हो गया था. यस सर, ना तो छूट गया था. अच्छा, तकलीफ नहीं करना है. एक्चुअली क्या होता है ना, इतना बड़ा क्लास रहता है, आपको मैनेज करना है, थोड़ा सा बच्चे को किसी को डरा भी देना है, जिससे कि ना शांति बने रहे, पीस बने रहे. और कोई पर्सनल नहीं होता कि मनी शेखर को जो है रिमूव करो एंड सो ऑन. It's not that ki deliberately I target you, aisa kuch bhi nahi. Aur papa theek thaak hai? Yes sir, theek hai. Okay, excellent. Theek hai, theek hai. Oh, ye kar lo.
सो ये बहुत बड़ा काम आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब रोटेशन टॉपिक जो हम लोग फिनिश कर लेंगे बहुत बड़ा काम होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और देखिए ना कितना मजा आने वाला है जब इसी टॉपिक में हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे। नेचुरली यू पीपल आर मिसिंग द बुक, तो हम बुक का भी सोल्यूशन कर देंगे, बेहतर होगा कल से, आपको बुक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप अपना स्कूल वाला वेबसाइट आप देखते रहेंगे तो उसी पर आपको लिंक मिल जाएगा जहां से कि आप निकाल सकते हैं बुक। चलिए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग सीख गए। अब है क्या, एक होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मतलब हुआ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसका मतलब हुआ IZ इक्वल टू IX प्लस RY। इसको भी यूज करना हम आपको सिखाएंगे, अभी कभी सिखाएंगे। वो कैसे होता है तो ये देखिए, कहने का मतलब विल सी जस्ट नाउ, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये आपका रिंग है, अलर्ट रहना सारे लोग, देखना क्या क्या चालाकी करेंगे। एक्सिस खींच लो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, एंड जेड एक्सिस तो खींच हम लोग पाते नहीं है। रिंग है, रिंग का मास आपका एम है एंड रेडियस आर है। एक बात बताइए, अलर्ट अलर्ट अलर्ट, फंस नहीं जाना। आप जो जानते हैं रिंग का, रिमेम्बर हमने जो डायग्राम तो हमने ऐसा खींचा है, रिंग के केस में IC इक्वल टू आप जानते हैं MR स्क्वायर होता है, ओके? लेकिन रिमेम्बर क्या सब है, सेंटर से पास करना है, साथ साथ परपेंडिकुलर होना है। तो आप जो ये MR स्क्वायर जानते हैं, केयरफुल, आप जो ये MR स्क्वायर जानते हैं वो एक्सिस ये नहीं है, इसलिए नहीं है। ये एक्सिस कहाँ है, ठीक है सर? देखो एक्स एक्सिस भी सेंटर से पास कर रहा है, वाई एक्सिस भी सेंटर से पास कर रहा है, लेकिन ये वाला एक्सिस नहीं है। ये क्या है, ये है ये वाला एक्सिस, द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, मतलब परपेंडिकुलर वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस आपका, ये दिस वन, जो कि आपको सेंटर से पास भी करे साथ साथ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो आप जो जानते हैं IC इक्वल टू MR स्क्वायर, वो कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस अभी जो दिख रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अभी आप जानते हैं बेसिकली जेड एक्सिस वाला आए, तो हमको निकालना है सपोज ये वाला, तो देखो क्या चला, ये एक्सिस और ये एक्सिस आइडेंटिकल है, तो अगर इसके अबाउट आई हुआ तो इसके भी अबाउट आई होगा, इसके अबाउट आई हुआ तो इसके अबाउट भी आई होगा। अब लिख दो, तो अब लिख दो IZ इक्वल टू IX प्लस IY। IZ आपको पता है, ये वाला लिख दो MR स्क्वायर इक्वल टू I प्लस I, एंड 2I इक्वल टू हो गया MR स्क्वायर, I इक्वल टू हो गया MR स्क्वायर बटे 2। कहने का मतलब इसका भी वैल्यू हो गया MR स्क्वायर बटे 2 एंड इसका भी वैल्यू हो गया MR। तो ये इनडायरेक्ट निकालते हैं, ये चालाकी है। आप x एक्सिस y एक्सिस खींच दो, आपको जो पता है वो IZ है। सिमिलरली इसको लिख लीजिए एंड हड़बड़ाएंगे नहीं हम, एंड आई थिंक हियर यू कैन डू इट। ये डिस्क अगर ले, ये आपका डिस्क है, मास m है और रेडियस r है, हमको ये वाला i चाहिए, ये वाला i चाहिए। कैसे निकालेंगे, पहले तो इसको लिख लीजिए फिर उसको निकालिए। इस केस में भी आ जाइए, एक ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, एंड आपका जो ये हो गया z एक्सिस। Listen, हम लोग जानते हैं क्या चीज डिस्क के बारे में, डिस्क के बारे में जानते हैं, जानते हैं IC इक्वल टू MR स्क्वायर बटे 2 जानते हैं आप। कौन सा पहचानो, तो ये जो है ये किस एक्सिस के अबाउट है, ये सेंटर से तो है लेकिन ये वाला एक्सिस जो परपेंडिकुलर, यानी दिस इज बेसिकली IZ, यहाँ पर भी दिस इज बेसिकली IZ,
कहने का मतलब आप तो जानते हैं MR square root 2 IZ है। अब देखो क्या करना चाहला कि ये I होगा तो ये भी I होगा। अब लिखोगे फिर थ्योरम IZ equal to IX plus IY। IZ आपका हो गया MR square root 2 equal to I plus I। I का वैल्यू हो गया MR square root 4, यानी ये निकल गए MR square root 4। इसको आपको क्या बोला जा सकता बताते हैं। जैसे इसको आप डायमीटर भी बोलते हैं। यहां जो पूछा गया था कि इसके अबाउट आई निकालो, निकाला हमने। बेसिकली आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड आई अबाउट द डायमीटर। डायमीटर के अबाउट आपको याद नहीं है। सिमिलरली डिस्क के केस में ये जो है ये क्या है, आई अबाउट डायमीटर है। इसको लिखे फिर आपसे और बात करते हैं। लिखे प्लीज। आपको रिंग का क्या याद रहता है, MR स्क्वायर। तो आपको रिंग का याद रहता है MR स्क्वायर। आपको रिंग का याद रहता है MR स्क्वायर। वो कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। इसको पापे निकला डायमीटर के अबाउट नहीं। ऑलराइट, रिमेंबर दिस। सिमिलरली डिस्क का आपको पता है MR स्क्वायर बटे 2। कौन सा एक्सिस, जो पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर, यानी जेड एक्सिस। बहुत सारा काम अभी करना है हम लोगों को। शायद लिख लिख चुके होंगे, फिर बुक से भी पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। कल का क्लास बहुत ही क्रूशल है क्योंकि बुक से क्लियर नहीं होता है जनरली। अब हम एक ऐसा प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको पैरेलल एक्सिस भी लगेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों लगेगा। अब जैसे ये आपका डिस्क है, मास इसका m है एंड रेडियस r है, और आई निकालना है आई अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू डायमीटर पासिंग थ्रू आई अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू, ये 11 नहीं है, चलो 11 बन बोल दोगे, 11 बोल दोगे, लिख देते हैं पैरेलल parallel to diameter and passing through periphery, यानी आपका diameter ये हो गया, diameter के parallel और passing through periphery ये line हो गया। इसके about आपको I चाहिए। अब एक बात बताओ है क्या, तो कैसे कैसे solve करेंगे, smartly चलते हैं। अगर इससे पहले समझ में नहीं भी आया था कोई problem नहीं है, अभी अभी आपको समझ में आएगा। देखो disk है, डिस्क के बारे में आप जानते हैं IC equal to MR square बटे 2, कोई डाउट नहीं, आप ये जानते हैं IC equal to MR square बटे 2। एक बात बताओ, ये एक्सिस कौन सा है,
ये पास इक्सू सेंटर चलेगा लेकिन परपेंडिकुलर टू द प्लेन यानी इस एक्सिस के अमाउंट आप जानते हैं ये डायमीटर के लॉन्ग नहीं है। तो पहला काम क्या करना है, पेज में चलेंगे, पहला काम पहले इसके अमाउंट निकालते हैं। देखिए क्या चालाकी करेंगे, अगर हम इसके अमाउंट आई निकाल लें, अगर इसके अमाउंट आई निकाल लें तो इसके अमाउंट निकल जाएगा पैरेलल वाले से। तो पहले इसके अमाउंट आई निकालना है परपेंडिकुलर तरीके से। ये देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आई है तो ये भी आई होगा। एंड आप जो जानते हैं वो ये वाला जानते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड की जगह पर लिखेंगे आप जो जानते हैं वो चीज एम आर स्क्वायर इनवर्टेड टू इक्वल टू आई प्लस आई। आई का वैल्यू हो गया एम आर स्क्वायर इनवर्टेड फोर। अब जाके आपको ये आई निकला किसके अबाउट, इसके अबाउट। अब यहां से आ जाइए, यहाँ एक लाइन खींचिए, ये आई का वैल्यू अभी अभी आपको निकला है एम आर स्क्वायर रूट फोर। चाहिए आपको ये वाला, ये दोनों पैरेलल है, दूरी है, दिस इज योर आंसर। लिख लें आप, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फाइंड आई अबाउट एक्सिस शोन, ये आपका रिंग है, मास एम है, रेडियस आर है, ये एक्सिस यहां से पास कर रहा है, ये आई निकालना है, ये सेंटर है,
please remain online. Please remain online. Please remain online. Please remain online. Please remain online, all of you. Please remain online. Please remain online. Yes, yes, now I'm back. Please remain online. Yeah, it's okay. I think it's okay. So, ab इसको आप देख लीजिए इधर हमने क्या किया है, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे. इसे हम लोगों को देखना है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को. प्लीज तो टुमारो आल्सो विल बी मीटिंग एट 10 o'clock. इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये आपका रिंग है, दिस इज योर रिंग, रिंग है. आपको इसके अमाउंट आई चाहिए, पहले आप इसके अमाउंट निकालेंगे. तो रिंग लिया आपने, इसके अमाउंट आई पहले निकालेंगे. पहले आप सीधे इस पर नहीं जा सकते, पहले ये निकालना है. ये हो गया आपको वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस. ये आई है तो ये भी आई हुआ. दिस वन इज जेड. देखिए तरीका, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई प्लस आई. आई जेड आपका है रिंग है, ये एम आर स्क्वायर, यानी आई का वैल्यू हो गया एम आर स्क्वायर बटे टू. सो दिस वन यू गॉट एम आर स्क्वायर बटे टू. आपको चाहिए इसके अबाउट, ये चाहिए था. आई विल बी इक्वल टू आई सी प्लस एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बटे टू प्लस एम इंटू, ये दूरी है आपका आर बटे टू, आर बटे टू का होल स्क्वायर. आपको बता दें सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया पर. इन टुमारोज क्लास वी विल सी अ लिटिल बिट, यू नो, इन 10 टू 15 मिनट्स अ बिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. कॉम्प्लेक्स मीन्स लिटिल, यू नो, ट्रैप. And then we'll move on to another item in rotation topic. I think that's all for today. And I'm sure today's class has been a really fruitful one. We have done a lot of progress. That's all for today. Thanks a lot. Thanks a lot. We are ending the session. Thanks. Thanks a lot.